हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं। सीरीज जीत गए भाई, अब तो मजे कर लो। अब बात करी जाए क्रिकेट की और इनका जिक्र नहीं है तो क्या फायदा। बाबर आजम एंड विराट कोहली। अब जहां कोहली के फिनिशिंग शॉट्स की बात होती है, वहां बाबर की कवर ड्राइव्स की बात होती है। जहां कोहली की हार्ड हिटिंग मशहूर है, वहां बाबर के गैप शॉट्स ना हो तो ज्यादती है। असल में ये दोनों क्रिकेट वर्ल्ड के रोनाल्डो, रियोनाल मेसी। अब इस कंपैरिजन में बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के खेलने के अंदाज से खेल देखने का मजा ही दुबला हो जाता है। बाकी हर फेवरेट प्लेयर वॉर की तरह इधर भी कुछ यूं होते हैं। कोई बाबर को अपने वालिद की जगह लिखता है तो कोई कोहली को। पर असल में हमें खेल का मजा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद यहाँ पर भी वही होगा जो आज फुटबॉल फैंस के साथ हो रहा है। तो रमजान आ गया है और हम सब रमजान की एक्टिविटीज में इतने बिजी हो गए कि हमें पता ही ना चला कि फीफा ने पाकिस्तान को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से ऑफिशियल लेवल पे पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं खेली जा सकती, चाहे फिर वो स्टेट लेवल हो या फिर सिटी लेवल। इस बैन का सबसे ज्यादा दुख अगर कहीं महसूस किया जाएगा तो वो है लियारी, जिसे हम मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा प्रोफेशनल फुटबॉलर्स आपको लियारी के एक छोटे बच्चे में भी नजर आ जाएगा। और सिर्फ लियारी ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में आपको अगर क्रिकेट के बाद किसी स्पोर्ट्स के फैन नजर आएंगे तो वो है फुटबॉल। चैंपियंस लीग के मैचेस हों या इंग्लिश प्रीमियर लीग के, आवाम की एक बड़ी तादाद इन्हें फॉलो करती है। कुछ लोग सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस होते हैं, और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के टॉक्सिक फैंस को आपस में लड़ते हुए तो आपने देखा ही होगा। द पॉइंट इज, पाकिस्तान में फुटबॉल की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और ये आवाम चाहती है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम भी कभी फीफा वर्ल्ड कप खेले। मगर अफसोस के पाकिस्तान अब बैन हो चुका है। बैन की वजह ये बनी कि फीफा पॉलिसीज के मुताबिक किसी मुल्क की फुटबॉल फेडरेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि अपना काम कोई नहीं करता, दूसरों के काम में टांग अड़ाना तो हमारा कौमी मशगला है। तो बस यही हुआ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बाहर की इंटरफेरेंस बढ़ती चली गई और फीफा ने इस बात का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। अब बात छिड़ गई है फुटबॉल की, तो हाल ही में एक न्यू लीग की अनाउंसमेंट हुई है यूरोपियन सुपर लीग के नाम से, जिसमें यूरोप के टॉप क्लब्स खेलेंगे। इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और लिवरपूल जैसे नाम हैं, और ना चाहते हुए भी इन टीमों में आर्सेनल और स्पर्स शामिल हैं। अब इसके अनाउंस होते ही फुटबॉल की दुनिया में तहलका मच गया, तरह तरह के ट्वीट्स आने लग गए और फुटबॉल इज डेड के नारे शुरू हो गए। वो इसलिए कि जैसे पीएसएल में अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर अपना टूर्नामेंट बना ले और क्वेटा और मुल्तान को बोले बेटा आप आपस में खेल लो, What? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जब गली के सारे लड़के एक साथ खेलेंगे तो छोटों को कौन लिफ्ट कराएगा? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इन सब के बाद आवाम का ये रद्द अमल था। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और बैनिस्तान से एक खबर है कि हम वैसे तो ये छोटी मोटी ऐप्स ही बैन किया करते थे, जैसे टिकटॉक, लाइकी। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने पूरा सोशल मीडिया ही बैन कर दिया था, चाहे 4-5 घंटे के लिए ही सही, मगर इशारा तो मिल गया है कभी भी किसी भी वक्त फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पाकिस्तान से रुखसत हो सकते हैं अगर किसी ने होशियारी की तो। ओके, आई हेट यू। अब इस सेगमेंट में हम दिल खोल के प्यार देंगे। अरे वो वाला नहीं, ये वाला। किंग बाबर आजम, क्वीन रिजवान और प्रिंस फखर जमा। भाई इन तीनों की परफॉर्मेंस ने जो मजे दिए हैं, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वो फखर की बैक टू बैक सेंचुरीज,
बाबर का वन मैन प्ले और रिजवान का अबे इसने क्या करा है? फील्डिंग भाई, फील्डिंग भाई, वो तो कीपर है। तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में की सीरीज वाइट वॉश और बाबर आजम उर्फ कायदे क्रिकेट पहले एशियन कप्तान बन गए ये करने वाले। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको। Wait a minute. वैसे सीरीज तो जिम्बाब्वे से भी जीत गए, मगर किस तरह जीते हैं ये भी सबको पता है। मतलब 99 पे ऑल आउट कौन होता है, वो भी जिम्बाब्वे से। इसीलिए कहते हैं ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट तो करके जाओ, ऐसी मुंह दिखा के चले जाते हो यार, इसीलिए थोड़ी बैठे हैं हम यहाँ पे। और अगर कोई दोस्त वगैरह है तो शेयर वेयर करो यार, पैसे थोड़ी ना ले रहे हम। चलो बाकी बातें बाद में, दुआ में याद रखना हमें और पाकिस्तान को। हैकर बॉयज आउट।